हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल इफ यू आर विजिटिंग दिस स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम देन प्लीज टेक अ मोमेंट एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल ऑन नेक्स्ट टू इट सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड एनी वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड एंड मेक फुल यूज ऑफ वीडियोस और अगर आप इस चैनल से पहले से जुड़े हैं तो थैंक यू सो मच सो so, हम आज स्टार्ट करेंगे एक नया सीरीज जो है ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया सो so, हम स्टार्ट करेंगे फुलकारी से और फिर ग्रेजुअली हम सारी एम्ब्रॉयडरीज कवर करेंगे जो है इंपॉर्टेंट एम्ब्रॉयडरीज हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए ओके सो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो है ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया इज फुलकारी ओके सो पहले हम देख लेते हैं वॉट इज एम्ब्रॉयडरी सो एम्ब्रॉयडरी एक आर्ट होती है हैंडक्राफ्ट होती है जिसमें क्या करते हैं फैब्रिक को या किसी आर्टिकल को हम निडिल एंड थ्रेड की मदद से डेकोरेट करते हैं ओके सो एम्ब्रॉयडरी इज इज द आर्ट और हैंडक्राफ्ट ऑफ डेकोरेटिंग फैब्रिक और अदर मटेरियल्स विद द Help of needle and threaded yarn, okay? so, embroidery में हम बाकी मटेरियल्स भी यूज कर सकते हैं लाइक मेटल स्ट्रिप्स पर्ल्स एंड सीक्वेंस ये सारी चीजें एनहेंस करती हैं एम्ब्रॉयड्री कोन okay? so, सी है फर्स्ट इज हैंड एम्ब्रॉयड्री एंड नेक्स्ट इज मशीन एम्ब्रॉयड्री ओके सो दो तरह की एम्ब्रॉयड्रीज होती है जिन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है फुलकारी सो so, फुलकारी के लिटरल मीनिंग होती है फ्लावर क्राफ्ट फूल एंड कारी फूल फूल फ्लावर एंड कारी मीन्स हो गया फ्लावर क्राफ्ट ओके सो फुलकारी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फेमस एम्ब्रॉयडरी टेक्सटाइल्स फ्रॉम पंजाब बेसिकली ये पंजाब की फेमस एम्ब्रॉयडरी है ओके okay? एंड फुलकारी को जब हम एनालाइज करेंगे तो so वो हो जाएगा फूल फ्लावर एंड कारी Work or craft, okay? That is flo uh, floral work or flowering. And in West uh, West Punjab, this embroidery is famous as bag. Bag means garden, okay? In which the entire surface of the shawl is decorated with floral designs, okay? Origin of fulkari. So the origin of fulkari is not easy to trace, but there are two theories which are associated with the origin of fulkari. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरी हम देख लेते हैं कि क्या थ्योरी है ओरिजिन ऑफ फुलकारी की सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये जो एम्ब्रॉयडरी है वो मुस्लिम पर्शियंस लेके आए थे ईरान से जो कश्मीर में सेटल हो गए थे और ईरान में इस एम्ब्रॉयडरी को गुलकारी कहा जाता था जिससे ये बाद में इम्प्रूव होके फुलकारी बन गया ओके okay? सो so इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि मुस्लिम पर्शियंस ईरान से इस एम्ब्रॉयड्री को लेके कश्मीर में सेटल हो गए थे और वहां से ये फेमस हो गई सो so, ये हो गई फर्स्ट थियोरी अब हम देख लेते हैं सेकेंड थियोरी क्या है सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड थियोरी ये कहा जाता है कि ये एम्ब्रॉयडरी फुलकारी जाट्स लेके आए थे जो कि सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होके पंजाब में सेटल हो गए थे बट दिस थियोरी ऑल्सो डज नॉट होल्ड ट्रू इट इज नोन दैट द बेस्ट फुलकारीज एंड बाग्स आर नोन टू हैव बीन मेड इन हजारा एंड चकवाज एरिया ऑफ नॉर्दर्न पंजाब सो हजारा एंड चकवा पंजाब में ये बेस्ट एम्ब्रॉयडरी मिलती है जहां पे एंड हिंदू रहते हैं वहां पे जाट नहीं रहते सो so, ये भी कॉन्ट्रोडिक्टी है कि ये जाट लेके आए थे और सेंट्रल एशिया से एंड पंजाब में सेटल हो गए थे ओके हाउ एवर बोध दीज डू नॉट होल्ड गुड एज फुलकारी इज प्रैक्टिस एंड बॉर्न बाई ऑल द पीपल ऑफ पंजाब फ्रॉम अर्ली नाइनटीन सेंचुरी और ये कहा जाता है कि ये फुलकारी जो होती है वो एक सुहाग का सिंबल होती है एंड देयर फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ब्राइट ट्रूसो ओके सो ये एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है मैरिड वीमन का ओके okay? मटेरियल यूज अब हम देख लेते हैं कि फुलकारी में क्या मटेरियल होता है सो so, फुल so, बनाई जाती है जो कि होम स्पन होती है और लोकली अवेलेबल होती है ओके क्योंकि ये ये एम्ब्रॉयडरी मेनली महिलाएं बनाती है घर में बनाती है सो so ये इजिली एवेलेबल खदर पे बनाई जाती है एंड दिस

खदर, थर्ड लास्ट वन so ये हो गया material. अब हम next slide देखते हैं मटेरियल तो हमने देख लिया कि खद्दर यूज होता है ओके अब हम देख लेते हैं इसमें थ्रेड कौन सा यूज होता है सो बेसिकली सिल्क का थ्रेड इसमें यूज होता है एम्ब्रॉयडरी करने के लिए सॉफ्ट ग्लॉसी अनट्विस्टेड सिल्क थ्रेड

और जो मेन स्टिच होती है फुलकारी की वो डार्निंग स्टिच होती है ओके द डार्निंग स्टिच इज यूनिट ऑफ फुलकारी। और बाग में जो आ, बाग और फुलकारी दोनों की जो कारीगरी होती है उस आ, वो इसकी लंबाई और टाके के जो डेंसिटी के अनुसार डिफाइन की जाती है और डिवाइड की, की जाती है वर्गीकृत की जाती है ओके समटाइम्स कॉटन एंड वुवेन थ्रेड्स वर यूज्ड सो बेसिकली मेन जो थ्रेड यूज होता है वो होता है सिल्क थ्रेड बट समाइम्स कॉटन एंड वूलन थ्रेड भी यूज होता है ओके सो ये हो गया थ्रेड अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड कलर्स सो कौन कौन से कलर्स यूज होते हैं फुलकारी की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कलर्स यूज होते हैं सो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स यूज होते हैं जिसमें वेरियस शेड्स ऑफ रेड कलर एंड मोस्टली यूज फॉर दैब्रिक बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ ऑशियस ये बहुत ही ऑस्पेसियस होता है इसीलिए इसमें रेड कलर यूज होता है क्योंकि ये रिलेटेड है मैरिड वुमेन से शादी से सुहाग से सो इसलिए इसमें रेड कलर ज्यादा यूज होता है ओके अदर पॉपुलर कलर्स आर ब्लू एंड इट्स वेरियस शेड्स वाइट इज यूज फॉर एल्डरली लेडीज ओके एंड एम्ब्रॉयडरी इज डन विद यूज ऑफ कलर सच एज गोल्डन येलो क्रिमसन ऑरेंज ब्लू वॉयलेट ग्रीन डार्क ब्राउन एंड व्हाइट सो फुलकारी की सुंदरता को चमकदार रेशमी धागे का उपयोग करके बढ़ाया जाता है जो रंग के एक या एक से अधिक रंगों का इल्यूजन पैदा करते हैं सो so, जो वो शाइनी थ्रेड्स होते हैं गोल्डन थ्रेड्स होते हैं वो इल्यूजन बढ़ाते हैं इल्यूजन बनाते हैं ओके सो दिस इज ऑल अबाउट कलर्स अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं the stitches used. So, मैंने बोला मेन स्टिच स्टिच जो होती है, होती है है। वो डार्निंग बट अपार्ट और कौन सी स्टिच यूज होती है वो भी हम देख लेंगे सो फर्स्ट इज डार्निंग स्टिच इज द मेन स्टिच यूज बट क्वाइट अ नंबर ऑफ अदर स्टिचेस आर ऑल्सो यूज इन एम्ब्रॉयडरी जैसे मैंने बोला वो कौन सी है डबल रनिंग स्टिच चैन स्टिच एंड साटेन स्टिच ओके सो ये मेन स्टेज अगर पूछेगा कि फुलकारी में कौन सी स्टिच यूज होती है तो आप डार्निंग पे टिक करेंगे और अगर कॉम्बिनेशन में पूछेगा तो आप सबसे पहले देखेंगे डार्निंग किस कॉम्बिनेशन में है उसके बाद डबल रनिंग स्टिच और चेन स्टिच और साटिन स्टिच यही तीन तरह की स्टिच यूज होती है सो so, डार्निंग का इमेज ये है चेन स्टिच की इमेज ये वाली है एंड साटिन इस तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है ओके सो स्टिचेस कौन कौन सी यूज होती है एक बार फिर से रिकॉल करेंगे डार्निंग स्टिच डबल रनिंग स्टिच और चेन स्टिच एंड साटन स्टिच हो गया क्लियर सो so, अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया मटेरियल कैसा यूज होता है थ्रेड कौन सा यूज होता है एंड स्टिचेस कौन सी यूज होती हैं, ओके okay? अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड टाइप्स ऑफ फुल अभी तक हमने देख लिया की फुलकारी कैसे मटेरियल पे बनती है कौन से थ्रेड यूज होते हैं और कौन से embroidery use होती है. अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं फुलकारी केोपे so, so, होता है वो बेसिकली वेडिंग फुलकारी है विच इज प्रजेंटेड टू द ब्राइड बाई हर मटर्नल ग्रैंड मदर वो ब्राइड को उसकी नानी की तरफ से मिलती है चूड़ा सेरेमनी पे जो पंजाबीज में चूड़ा सेरेमनी होती है उस टाइम पे ये नानी अपनी डॉटर को देती है और वो उस टाइम पे पहन के ये चूड़ा सेरेमनी कंप्लीट करती है एंड इट इज लार्जेस्ट इन साइज एंड इज एम्ब्रॉयडर्ड ओनली ऑन रेड कलर क्लोथ क्योंकि ये रिलेटेड है वेडिंग से इसलिए रेड कलर्ड क्लोथ पे बनाई जाती है एंड द थ्रेड इज ऑफ गोल्डन येलो कलर विथ वन और टू मोटिव इन ग्रीन टू ऑफ द एविल आई सो नजर ना लगे इसलिए ग्रीन कलर के मोटिव्स भी यूज होते हैं बट बेसिकली रेड खद्दर, सॉरी रेड कलर का क्लोथ उस पर गोल्डन कलर के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की जाती है सो चोप में बड़े बड़े ट्रायंगल होते हैं जिनका जो बेस होता है वो सेल्वेज की ओर होता है ओके यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं सेल्वेज की साइड पे ये सेल्वेज हो गई इस साइड पे बड़े ट्रायंगल्स का बेस है ओके एंड जो डिफरेंट ट्रायंगल्स होते हैं वो अलग अलग पैटर्न में अरेन्ज किए जाते हैं ओके एंड दोनों सिरों पर कढ़ाई नहीं होती है टॉप पर एंड बॉटम पे देखिए टॉप एंड बॉटम प्लेन है यहाँ पर कढ़ाई नहीं की जाती है और जो एक सिंबल होता है शादी के बाद दुल्हन के लिए असीमित समृद्धि का ओके सो so बहुत सारा वो वेल्थ होगी और उनको बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होगी ब्राइट का इसका ये सिंबल होता है ओके सो so ये हो गया चोप अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं सो so, क्या होता है दिस इज अ फुलकारी फुलट द टाइम ऑफ एक्चुअल मैरिज सेरेमनी सो चोप कब होती है चूड़ा सेरेमनी में बट सुबर एक्चुअल मैरिज सेरेमनी में पहनी जाती है जब फेराज होते हैं जब फेराज परफॉर्म होते हैं उस टाइम पे सुबर ओढ़ाई जाती है ब्राइड को एंड दिस इज इन रेड कलर एंड इज एम्ब्रॉयडर्ड विद फाइव फ्लोरल मोटिव इन ईच कॉर्नर एंड फाइव इन द सेंटर सो फाइव फ्लोरल मोटिव फोर कॉर्नर पे होंगे और फाइव फ्लोरल मोटिव सेंटर पे होंगे ये हो गया सुवर ओके okay? अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं सालो सो so, uh, सालो क्या होता है दिस इज अ शॉल इन प्लेन रेड खदर मेन फॉर डेली यूज तो ये डेली यूज की शॉल होती है जिसमें फ्लोरल बूटी एम्ब्रॉयडर्ड होती है एट डिस्टेंस इन द फील्ड ऑफ द शॉल सो ये बेसिकली एक शॉल होती है सालो शॉल जो कि प्लेन खद्दर पे बनाई जाती है रेड खद्दर पे बनाई जाती है अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं तिल पत्रा तो so, तिल पत्रा लिटरली मीन्स स्प्रिंकलिंग ऑफ सिसमे सीड्स और तिल सीड्स ओके okay, और ये जो होती है तिलपत्रा इनफीरियर क्वालिटी खद्दर पे बनाई जाती है दिस इज अ चीप शॉल एम्ब्रॉयडर विथ स्मॉल डॉट्स ऑल ओवर द फील्ड ओके एंड दीज वर प्रेजेंटेड टू सर्वेंट्स ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन सो बहुत ही पावन अवसर पे ये सर्वेंट्स को गिफ्ट की जाती है प्रेजेंट की जाती है और ये चीप खद्दर पे बनाई जाती है जिस पे पूरे खद्दर पे पूरे शॉल पे छोटी छोटी बूटियां होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं तिल सीड्स को ओके सो so, ये क्लियर हो गया कि ये चीप शॉल एम्ब्रॉयड है विथ स्मॉल डॉट्स ऑल ओवर द फील्ड तिल पत्रा तिल मीन सीड और तिल सीड ओके अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड नीलक नीलक से क्लियर हो रहा है नी, नीला ओके ब्लू दिस इज द नेम ऑफ फुलविंग ब्लू बैकग्राउंड नीलक नीला ब्लू एंड एम्ब्रॉय येलो और ग्लेयरिंग बट अट्रैक्टिव कंट्रास्ट टू द बैकग्राउंड सो बैकग्राउंड नीला है उसके ऊपर येलो और क्रिमसन सिल्क थ्रेड से एम्ब्रॉयड्री की जाएगी सो वो खिल के आएगा ना वो बहुत ज्यादा ग्लेयरिंग इफेक्ट तो देगा बट अट्रैक्टिव लगेगा कंट्रास्ट उसका अट्रैक्टिव लगेगा ओके okay? सो so, नीलक में आमतौर पर फूलों या विभिन्न घरेलू उपयोग की वस्तु जैसे कंघी पंखा रुमाल छाता इनका इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने के लिए आप इस इमेज में देख सकते हैं कंघी फूल और ये सारी चीजें डिपिक्ट की गई हैं ओके सो नीलक से तुरंत रिलेट करिएगा नीला बैकग्राउंड ओके okay? अब हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं शीशेदार फुलकारी सो so, शीशे धार मतलब इसमें शीशा यूज होगा ओके सो दिस फुलकारी इज स्मॉल यूजिंग बटन होल स्टिच सो बटन होल स्टिच कुछ इस तरह की होती है बटन होल स्टिच ओके मैं क्लियर नहीं बना पा रही हूं बट कुछ इसी तरह की होती है जिसके बीच में शीशा अटैच किया जाता है ओके okay? येलो और ब्लू थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी होगी और बटन होल स्टिच बना के उसमें शीशे प्लेस किए जाएंगे और ये हो गई शीशेदार फुलकारी हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं थिरमा थिरमा जो होता है वो व्हाइट खदर पे जो फुलकारी होती है उसे थिरमा कहते हैं फुलकारी के टाइप्स बहुत एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं तो ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा जो कीवर्ड्स हैं है उससे आपको इजी हो जाएगा आपके माइंड में रिटेन करेगा वो चीज वो आपको याद हो जाएंगी अच्छे से थिरमा फुलकारी डन ऑन व्हाइट खद्दर ओके नेक्स्ट स्लाइड सेंची फुलकारी so, सो फुलकारी क्या होती है

लाइफ इस पर डिपिक्ट की जाती है ओके और ये एम्ब्रॉयडरी है मालवा रीजन ऑफ पंजाब की ओके सो so इसमें ग्रामीण ग्रामीण जीवन की विभिन्न गतिविधियां जैसे जुताई कटाई जो खेत में काम होता है एक जलवाहक हुक्का पीसना मथना मत, कटाई बुनाई ये सारी चीजें डिपिक्ट की जाती हैं, ओके सो ये बेसिकली प्लेन ब्लैक और रेड खद्दर पे बनाया जाता है वो पूरा ग्रामीण जीवन टिपिक्ट किया जाता है सो so, ये हो गई सैंचनी फुलकारी हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं टाइप्स ऑफ सो अभी हमने कवर किया फुलकारी फुलकारी और बाग दो डिफरेंट टाइप की एम्ब्रॉयडरीज हैं सो फुलकारी कवर हो गई अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बाग्स ओके सो वेरियस टाइप्स ऑफ बाग्स आर घूंघट वारी द बाग बावन द बाग दर्शन द्वार सूरजमुखी रेशमी शीशा पंचरग्न और सतरग्न बेलन द सो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सारे टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे सॉरी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आज के लिए हम सिर्फ फुलकारी पार्ट कवर कर रहे हैं बाग्स पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ओके दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टिल देन कीप लर्निंग कीप स्टडिंग एंड प्लीज टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द बेलाइक नेक्स्ट टू इट ऑल्सो ये वीडियोज आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिससे वो इस वीडियोज की हेल्प से अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर पाए और एग्जाम में अच्छा कर पाए और अपने एग्जाम्स को क्रैक कर पाए थैंक यू